ये नियमानुसार ही है, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो पूरी तरीके से नियमानुसार है। एक तीन चार मिनट से मैं अपनी बात कह दूंगा, ठीक है? तो निश्चित रूप से इस पर जो विस्तार से माननीय मंत्री जी उस पर विचार रखेंगे वो कब रखेंगे? आज चूंकि सिर्फ प्रस्तुतिकरण है, कोई विस्तार से नहीं बोला, इतनी देर में हो जाता अगर आप परंपराओं को भी देख लें। अभी तक जितनी बार भी प्रस्तुतिकरण हुआ है जो परंपरा रही है, और नियमावली भी है केवल प्रस्तुतिकरण हो गया, वो परंपरा नहीं चल रहा। ये ये 7301.52 करोड़ रुपए का मान्यवर बजट है, अनुपूरक बजट। ये हमारा जो 5,50,000 करोड़ रुपए का जो एनुअल बजट था उसका 1.33% है मान्यवर मान्यवर, बहुत ही छोटा अनुपूरक बजट है। और खासतौर से इसमें फोकस उन बातों पर किया गया है जो अत्यंत जनकल्याणकारी है या किसी किसी योजना को पूरा करने के लिए है। और कुछ मान्यवर ऐसी नई मांगे भी है मान्यवर, इसमें खासतौर से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए विशेष रूप से 3,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। गन्ने का भुगतान अधिवक्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा की दिली, अम्बेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, आंगनबाड़ी आशा वर्कर तथा चौकीदारों के लिए मानदेय में वृद्धि, विद्युत व्यवस्था में सुधार, गोवंश का रख रखाव और अयोध्या में खाद्य की व्यवस्था और साथ साथ मानवत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा, मानवर ये कुछ हाईलाइट भी जो विशेष रूप से पूरक में हम लाइव लेकर आए हैं। चर्चा तो मानवर डिस्कशन होगी, लेकिन हम विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि ये 4.5 साल की सरकार ने पब्लिक का परसेप्शन बदला है। जो कृषि सबसे बड़ा मानदंड होता है, इसीलिए सरकार के मूल्यांकन का, और आज जनता की